मैं पूनम शर्मा, संस्कृत टीचर, माउंट लिट्रा जी स्कूल झांसी। बच्चों, आज हम आपको क्लास 6 संस्कृत का चैप्टर 1 शब्द परिचय पढ़ाएंगे। इस पाठ को जानने से पहले सबसे पहले इसके व्याकरण को जानेंगे, जिससे आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा पाठ है, इसमें पुल्लिंग शब्दों के बताया है, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन पुल्लिंग शब्द हैं। सबसे पहले सर्वनाम, यह शब्द एक वचन में कहेंगे एषा, एषा यह, और द्विवचन में एतौ, ये दोनों, और बहुवचनम में एते, ये सब, ये है यह। और वह की संस्कृत सहा, जो आपको हमने पहले वीडियो में भी बताया, सहा वह, तौ वे दोनों, ते वे सब। और यह है किम, किम मतलब क्या, तो इसका भी वचन इस प्रकार हो जाएगा कहा, कहा का अर्थ होता है दो, कौन भी और क्या भी। कहा एक वचन, कौ दो, दो व्यक्ति के लिए, कौन दो, और के कौन सब। तो जिस प्रकार कहा, कहा का अर्थ होता है कौन और क्या, तो सहा कहा, सहा के लिए आ गया सहा कहा, वह कौन है। ऐसा कहा, यह क्या है, दोनों में अलग अलग हुआ है। तो कहा का जो अर्थ है वो कौन और क्या दोनों होता है। जब सजीव वस्तुओं की बातें होती हैं, सजीव के बारे में बात करते हैं, तो कहा का अर्थ कौन हो जाता है, और जब हम निर्जीव के बारे में बात करते हैं तो वही कहा का अर्थ क्या हो जाता है निर्जीव के बारे में। जब आपको पाठ पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। वर्व क्रिया इसमें देखेंगे, है की संस्कृत अस्ति है, एक वचन, द्विवचन में स्तहा है, और बहुवचनम में संति, बहुत सारे लोग जब है का शब्द में आ जाएंगे हैं तब हो जाएगा संति, एक के लिए, दो के लिए और बहुत से के लिए। अब दूसरी क्रिया है हमारी धातु वाली, वर्ब, पठती, एक वचन के लिए पठती, ती लगाएंगे वर्ब में, क्रिया में, पठतः द्विवचन, पठन्ति बहुवचन। अगर धातु कोई भी चेंज हो सकती है इसमें, पठ ना हो लिख हो सकता है लिखती, हस्तः लिखन्ति, पठन्ति, गच्छन्ति, भवन्ति, तो कोई भी धातु चेंज हो सकती है। आखिरी में हमें शब्दों को वही रखना पड़ता है। अब पाठ जानने से पहले सबसे पहले हम इसके व्याकरण को देखेंगे, इसके शब्दार्थ को। चषकः गिलास, बृहत् बड़ा, शौचिका दर्जी, खेलति खेलता है, सीवयति सिलाई करता है, शुनकौ दो कुत्ते, गर्जतः गरजते हैं, उच्चै जोर से, एतौ ये आ गया आपका एतौ द्विवचन के लिए, दो ये दोनों, भुक्तः भौंकते हैं, वलीवर्धौ ये भी द्विवचन, दो पैर, धावतः दौड़ते हैं, कर्षतः जोतते हैं, वृद्धः बूढ़े, गायन्ति गाते हैं या गायन करते हैं, हसन्ति बहुत सारे हैं बहुवचन, हंसते हैं, इस्युतः ये भी थैले बहुत हैं बहुवचन, हरित वर्ण हरे रंग के,
नील वर्णा नीले रंग के, ये सब बहुवचन है। अब पाठ के बारे में जानेंगे। ऐसा कहा, अभी हमने आपको बताया था इस व्याकरण में कि ऐसा का अर्थ यह होता है। ऐसा कहा, यह एक वचन के लिए आया, एक के बारे में बात हो रही। कहा यह, अब यहाँ कहा कि संस्कृत कौन नहा बन के क्या बन जाएगी, कि बताया था कहा, कहा का अर्थ होता है कौन भी और क्या भी, लेकिन निर्जीव, जब निर्जीव वस्तु या प्राणी की बात होती है तो कहा का अर्थ होता है क्या, और सजीव के लिए कहा का अर्थ होता है कौन। तो यहाँ पर है ये विलास निर्जीव, ऐसा कहा यह क्या है, संबोधित करेंगे हम यह क्या है। ऐसा चस कहा, यह विलास है। अभी आपको शब्दार्थ में बताया था, किम क्या, ऐसा बृहत क्या, यह बृहत का अर्थ बड़ा, क्या यह बड़ा है, ना नहीं, ऐसा लघु यह छोटा है। ऐसा कहा यह क्या है, ऐसा चस कहा यह गिलास है, किम ऐसा बृहत क्या यह बड़ा है, ना नहीं, ऐसा लघु ये छोटा है। ये जो आपके बना हुआ है पिक्चर्स में छोटा ही है गिलास, दूसरा आगे ये इसमें भी ये पिक्चर्स बनी हुई है। अब इसमें जो ये व्यक्ति है वो आपको सजीव है कि निर्जीव है, क्योंकि ये हमारा दर्जी है तो ये हमारा सजीव हो गया व्यक्ति, इसलिए इसके लिए सहा, सहा का अर्थ है वह है। अब आएगा कहा, कहा माने कौन, इसलिए क्या ना आकर कौन आएगा, सजीव के लिए कौन कहेंगे, कहा की संस्कृत कौन। सहा कहा वह है, कौन है ये जो पिक्चर्स में बना है इसके बारे में बात हो रही है। सहा वह है सौचिका, दर्जी है वो जो कपड़े सिल रहा है ना, तो कपड़े सिलते हैं वो दर्जी होता है। सौचिका किम करोति, दर्जी किम क्या करोति करता है, किम सहा खेलति क्या वह खेलता है, ना नहीं, सहा वस्त्रम सीवियति, नहीं वह वस्त्र कपड़े सीवियति सिलता है। इसमें बात पुरलिंग की, आपको बताया था ये जो हमारा पाठ हम पढ़ रहे हैं पूरे पाठ में बात पुरलिंग की ही हो रही है और किसी लिंग की नहीं हो रही है, सिर्फ पुरलिंग का तीनों वचन आएंगे। सहा कहा वह कौन, सहा सौचिका वह दर्जी, सौचिका किम करोती दर्जी क्या करता है, किम सहा खेलती क्या वह खेलता है, ना नहीं, सहा वस्त्रम सीवती नहीं वह कपड़े सिलता है। अभी आपका है ये देखिए पिक्चर में आपको दो कुत्ते दिखाई दे रहे हैं, दो ही वचन एतौ, एषः एक वचन था यह, एतौ द्वैवचन दो, ये दो, दो की बात हो रही, ये दोनों कौ कौन है, अब कौन हो जाएगा, सजीव हैं कुत्ते चलते फिरते हैं, इसलिए एतौ शुनकः स्तः, ये दोनों शुनकः, शुनकः का अर्थ है दो कुत्ते, ये दोनों दो कुत्ते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते ये दोनों कुत्ते हैं, दो के बारे में संबोधित हो रहा है। किम क्या, एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गर्जतः गरजते हैं, ना नहीं, एतौ ये दोनों उच्चैः, ये भी द्विवचन, जोर जोर से भुक्तः भौंकते हैं, कुत्ते गरजते तो नहीं है ना,
भौंकते हैं, बुक तहा का अर्थ होता भौंकना। एतौ कौ, ये दोनों कौन। एतौ शुंकौ स्था, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जता, क्या ये दोनों गरजते हैं। नहीं, एतौ उच्चै भुक्ता, नहीं ये दोनों जोर जोर से भौंकते हैं। अब ये भी देखो, दो बैल है, दो ही वचन की बात हो रही है। बैल सजीव, तौ को तौ, सहा वह, तौ वे दोनों। तो वे दोनों कौ, द्विवचन की बात हुई, वे दोनों कौन हैं। तौ बलिवर्दो इस्तः, वे दोनों बलिवर्दो, दो बैल हैं, वे दोनों बैल हैं। किम क्या, तौ धावता, क्या वे दोनों दौड़ते हैं। नहीं, तौ क्षेत्रम कर्षता, नहीं वे दोनों क्षेत्रम खेत, कर्षता का अर्थ होता है जोतना, नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं या खेत जोतते हैं। तौ कौ, वे दोनों कौन। तौ बलिवर्दो इस्था, वे दोनों दो बैल। किम तौ धावता, क्या वे दोनों दौड़ते हैं। नहीं तौ क्षेत्रम कर्षता, वे दोनों खेत जोत रहे हैं। अब ये देखिए, हमारे दो से ज्यादा आ जाती हैं वस्तुएं, बहुवचन हो जाता है। एते एषः एक वचन, एतौ द्विवचन, और एते बहुवचन आ गया आपका, बहुत सारी के लिए। एते ये सब, अब ये भी नव आपके निर्जीव में आ गए, इसलिए क्या, ये सब के बहुवचन शब्द है, तो वे सब क्या हैं, प्रश्न पूछ रहे। एते स्यूतः संति, ये सब स्यूतः थैले, संति आ गया बहुवचन, बताया था आपको, है के लिए एक वचन अस्ति, दो के लिए स्तः, और बहुवचन के लिए संति, तो ये बहुत सारे हैं। ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णा, क्या ये सब हरितवर्णा हरे रंग के हैं। नहीं एते नीलवर्णा संति, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। ये क्या है, ये स्यूतः संति, ये थैले हैं। किमेते हरितवर्णा, क्या ये हरे रंग के हैं। नहीं एते नीलवर्णा संति, ये नीले रंग के हैं। तय कै ते सहा ताओ ते बहुवचन, अब ये सब सजीव हैं। ते के, अभी आपको के की संस्कृति यहाँ क्या थी निर्जीव के लिए, अब ये हमारे सजीव हैं। ते के वे सब कौन हैं। ते वृद्धा संति, वे सब बूढ़े हैं, ये जो आपको दिख रहा है, और बहुत सारे हैं, दो से ज़्यादा हैं, तो बहुवचन। ते किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं। नहीं ते हसन्ति, वे सब हंस रहे हैं। ते के वे सब कौन हैं। ते वृद्धा संति, वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं। नहीं ते हसन्ति, वे सब हंस रहे हैं। आपका ये चैप्टर पूरा हुआ।